नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविंदर और मेरे चैनल लंबी स्पीच पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंकिता सिंह जो दुमका की रहने वाली है, उसकी अभी कहना चाहिए कि उसके परिवार के अभी आंसू नहीं सूखे हैं। और इस बीच एक और घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत दुखद है। रांची ज़िले के ओर माझी में एक स्कूल है, प्रोजेक्ट प्लस टू हाई स्कूल। यहाँ पर पढ़ने वाली छात्राओं पर कुछ मुस्लिम समुदाय के युवकों ने दोस्ती करने का दबाव डाला है और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने दोस्ती नहीं की तो हथियारों के बल पर वो उन्हें उठा लेंगे। अब इतनी बड़ी बात हो गई है तो इसमें जो बीजेपी के नेता हैं उनका नाराज होना लाजमी है। मैं आपको दोस्तों पूरी बात बताती हूँ कि क्या है, आप पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि अंकिता को अभी लोग भूले नहीं हैं। उसको जिस तरीके से कुछ लोगों ने घर में, अपने ही घर में खिड़की से पेट्रोल डाल करके जला दिया था और ना तो उसे ठीक से इलाज मिला, ना ही तो उसके साथ ठीक से न्याय हुआ। हालांकि जो दोषी है शाहरुख, वो अभी पुलिस की हिरासत में है, गिरफ्तार है, लेकिन उसके चेहरे की जो हंसी है, अगर मैं ये कहूँ कि आज जो घटना हुई है, जिस तरीके से रांची के ओर माझी में ये घटना हुई है, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे शाहरुख वहाँ घूम रहे हैं जो लड़कियों पे ये प्रेशर बना रहे हैं कि वो या तो दोस्ती करें या तो फिर वो उनसे उनको उठवा लेंगे और साथ ही वो उनको देख लेने की भी धमकी दे रहे हैं। दरअसल ये जो विद्यालय है प्लस टू उच्च विद्यालय, इसके आसपास कुछ युवकों ने दूसरे समुदाय की जो स्टूडेंट्स हैं उनको हथियार दिखाए, डराया, धमकाया और फिर उनको दोस्ती के लिए कहा और धमकी भी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें उठा लेंगे। इस तरह की शिकायत मिलने पे स्कूल के जो शिक्षक थे और कुछ छात्राओं ने इसका विरोध किया तो उनको देख लेने की धमकी दी गई। और ये जो सिलसिला है पिछले एक हफ्ते से करीब, मतलब 7 दिन से ये चल रहा है वहाँ, और डरी सहमी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस बारे में अपने पेरेंट्स को भी बताया है। और इस मामले को लेकर के शनिवार यानी कि जो बीता कल है, स्कूल के एक फार्मेसिस्ट में एक बैठक भी होती है, वहीं पे और मांझी थाना को भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। और मतलब वहाँ के जो लोग हैं, जो कि ये गाँव का इलाका है, तो कुछ ग्रामीणों की ओर से जो ये सिरफिरे टाइप के लोग हैं, बेशरम टाइप के लोग हैं, इनके खिलाफ स्थानीय थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। अब चूंकि ये मामला ऐसा है, किसी से भी देख करके चुप नहीं रहा जाता, और मैं कहती हूँ कि इस पे चुप रहना भी नहीं चाहिए, इस पे शोर मचाना चाहिए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने काफ़ी नाराजगी जताई इस पे। उन्होंने स्कूल के प्रमिसेस में घुस करके वहाँ पढ़ने वाली जो बच्चियाँ हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको हथियार के बल पे दोस्ती करने की ये जो घटना सामने आई है, जब बात पुलिस में गई, उसके बाद बात अखबार में गई, तो बात उनके पास भी गई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने इसको काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में तुष्टिकरण की आग हर नए तरीके से कोशिश की जा रही है लगाई जाए और माहौल को खराब करने की कोशिशें की जा रही है। सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, सरकार मौन है और उन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल है। अच्छा,
वाकई में ही अगर स्कूल के परमिसेज में ऐसी घटनाएं होती हैं, बाहर से लड़के आते हैं और बच्चियों को इस तरीके से धमका के जाते हैं, उनको हथियारों के बल पे उठा लेने की धमकी देते हैं, देख लेने की धमकी देते हैं, तो ये सच में ऐसा लगता है कि वहाँ सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। हालांकि कल इस पे और कुछ बहुत खास होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पर्सनली उन स्टूडेंट से, उन लड़कियों से बातचीत करेंगे। दोस्तों, सच में ऐसी घटनाएं बहुत दिल को परेशान करती हैं, क्योंकि अंकिता को उसके माता पिता खो चुके हैं और अंकिता अपने माता पिता की ही बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी थी, झारखंड की बेटी थी, रांची की बेटी थी। और उसके बाद जिस तरीके से शाहरुख को अरेस्ट किया और शाहरुख हंसता हुआ, एक बेशरम हंसी हंसता हुआ जा रहा है, उस पे भी लोगों ने उस समय काफी कमेंट किए थे, काफी उस पे बवाल हुआ था, लेकिन उसी का नतीजा है कि ये जो घटना देखने में आ रही है, पिछले एक हफ्ते से वहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं और एक अजीब सा भय उनके चेहरे पे देखा जा सकता है। अब सामने पुलिस के बहुत सारे नाम हैं, पुलिस चाहे तो 2 मिनट में जो धमकी देने वाले लोग हैं उनको, उन पे कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उनसे मिलने जा रहे हैं, तो मैं आपको इस खबर से जुड़े हुए और भी जो अपडेट होंगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। दोस्तों, आप मेरा चैनल देखते रहिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियोस होती हैं, जो इस पे जानकारी होती है वो सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।